क्या बात है सूर्या, तूने तो कल की मैच में सूर्य नमस्कार करके चमत्कार कर दिया और इंग्लैंड वालों को हार का साक्षात्कार करा दिया। भाई आपने ही बोला था सूर्या तू मार, इसलिए मार दिया। मजा आ गया मुन्ना, तूने कल साबित कर दिया कि मुंबई में हमारे सच में 14 घर है और राहुल के कल की मैच में 14 रन है। लेकिन कल वो थर्ड अंपायर ने जो अंपायरिंग की वो सही नहीं की भाई। मानना पड़ेगा अंपायरिंग को, इतना समय लेने के बाद भी नॉट आउट को आउट करार दिया। हाँ यार, थोड़ा जल्दी करता तो जल्दी मैच खत्म होती और हमें डिनर भी जल्दी मिलता। अंपायर लोग तो समोसा कचोरी लेके बैठते होंगे, लेकिन हमें तो भूख लगती है ना, क्या मेरे से छुपकर हमें खाना पड़ता है। लेकिन हार्दिक का बल्ला क्यों नहीं चला रहे कल? मेरा बल्ला नहीं चल रहा, मेरा बॉल चल रहा है अभी। लेकिन राहुल और हार्दिक ने बचपन में इतने लड़के नहीं पटाए जितने कल सुंदर ने रन पीटा। पता नहीं भाई क्या हो गया, लगता है बॉल को पसीना आ गया था। बॉल को कैसे पसीना आ सकता है? बॉल को नहीं भाई, लगता है मेरा पसीना बॉल को लग गया। लेकिन तेरा बॉल हमें चूना लगा गया। अगर ऐसा है तो वो चूना मुझे दे दे, मैं उसे चुन चुन के अपने पान में डाल के मनीष पांडे को खिला दूंगा। मानना पड़ेगा, लेकिन कल जैसे ही शर्मा जी कप्तानी करने आए तो गेम ही बदल डाला शार्दुल ने। शार्दुल तो सही खेल गया, बैन स्टॉक को आउट कर दिया उसने। लेकिन मानना पड़ेगा कोहली जी आपको, आपने कल जो मुझे कप्तानी सौंपी उससे काफी कुछ बदल गया और इसके लिए मैं आपकी तरफदारी करना चाहता हूँ। मुझे जो सही लगा वो मैंने किया और वैसे भी शर्मा जी मुझे आप पर भरोसा है। उस आर्चर ने छक्के पेल पेल के मेरा दिल तोड़ दिया था भाई। कोई बात नहीं, तूने भी उसका बैट तोड़ दिया, हिसाब बराबर। ये झोपड़ा आर्चर बातें बड़ी बड़ी करता है लेकिन बैट तो सस्ती वापरता है ना। लगता है उसने मार कूद के प्लाईवुड से अपनी बैट बनाई। लेकिन थर्ड अंपायर का क्या करें हम, उसने तो जमीन से उठाया हुआ बॉल को भी आउट दे दिया। इसलिए जब बेन स्टॉक ने मेरी कैच पकड़ी ना तो मुझे लगा मुझे भी नॉट आउट देगा, इसलिए मैं बार बार ऊपर बोर्ड पे देख रहा था। लेकिन ये अंपायर किससे इंस्पायर हो रहे हैं यार? मुझसे इंस्पायर नहीं हो रहे, मेरे तरफ मत देखो। मतलब इतना तो कानून भी अंधा नहीं है जितना अंपायर अंधा है। मेरा नाम है कोहली, तूने ये बात सही बोली, इस बात को हम सांसद तक लेके जाएंगे, सांसद तक। डेविड मलान भी सुमड़े में उमड़े होके चुपचाप निकल गया, उसे पक्का पता है कि नॉट आउट था। डेविड मलान को कोई मलाल नहीं था, वो तो मन ही मन में हंस भी रहा था। लगता है मुझे आप सब लोग हल्के में ले रहे हो, लेकिन कल मैं सब पे भारी पड़ गया इडली खा के। हाँ सही कहा, श्रेयस को इस मैच का श्रेय मिलना चाहिए, उसने भी बेन स्टॉक का नाम लेके बड़े बड़े स्ट्रोक मारे। और आप लोग हो कि मुझे अनदेखा कर रहे हो। लेकिन अनदेखा रहकर तेरा रन देखा ना यार, लोफरा तू सच में लोफरे वाला इंसान है, इतनी सस्ती बैट कौन वापरता है। हाँ भाई, इसके बल्ले की वजह से हमें नुकसान हो गया। हाँ, जीत के इतने करीब आके भी हम हार गए। तूने पहले हमें आशा दिखाई जिसमें हमें आकांक्षा दिखी, लेकिन हाथ में निराशा लग गई। वो मार्कवुड का प्लाईवुड लगाया था इसलिए बैट टूट गई। लेकिन कल सुंदर ने बेस्टो के अंदर का छछुंदर जगा दिया रे बाबा। लेकिन सूर्या के आगे तुम्हें तुम्हारे खराब बॉलिंग का साक्षात्कार हो गया। हमें कुछ मत बोलो, तुम चुप रहो, बटलर को बोलो वो 9 रन बना के 4 रन खरीदने चला गया। लगता है मैं कल ज्यादा गंभीर होके नहीं खेला इसलिए 9 रन बनाया। गंभीर होके खेल भी मत वरना 0 पे आउट हो जाएगा। नो 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 नो।